सादत अली सिद्दीकी यानी लखनऊ कैब ड्राइवर जिनको पीटा गया था अवध चौराहे पर एक महिला प्रियदर्शिनी नारायण यादव द्वारा। घटना तो आपको याद ही होगी क्योंकि कुछ लोग इस घटना को तो भूल चुके हैं क्योंकि 3 महीने से भी ज़्यादा इसको समय होने जा रहा है। या दोस्तों आपको बता दें, सादत अली सिद्दीकी जो पीड़ित है उनको बताया और उनकी आर्थिक स्थिति भी जो है वो उनकी प्रियदर्शिनी के कारण कमज़ोर हुई थी। लेकिन अब बता दें, प्रियदर्शिनी की जो है जो चिंताएं हैं जो बढ़ चुकी है, प्रियदर्शिनी को जेल भी जाना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जो लखनऊ कैब ड्राइवर, उन्होंने अर्जी पेश की थी, 1/18 को गुहार लगाई थी जज साहब के पास और 1/29 को लगाई थी। वो डेट बढ़ा के 18 को 29 को कर दी, 29 को फिर डेट बढ़ा दी और अब 16 डेट कर दी है। 16 डेट को सुनवाई होगी और तीनों पुलिस अधिकारी जो थे, जिन्होंने 10,000 रुपये सादत अली को गाड़ी छोड़ने के लिए रिश्वत ली थी, उनको भी तलब किया गया, उनको भी बुलाया गया है, जज साहब द्वारा बुलाया गया, उनको भी बुलाया जाएगा। तीनों अधिकारियों को, जो पुलिस कर्मचारी हैं उनको, तीनों को बुलाया जाएगा, जिनमें जो अधिकारी थे तीन उनको बुलाया जाएगा। और सादत अली सिद्दीकी ने बताया कि प्रियदर्शिनी को जल्द ही जेल हो सकती है। हालांकि अभी जिस प्रकार सादत अली ने बताया कि उनको इंसाफ मिल जाएगा, क्योंकि वो पूरे प्राउड से कह रहे थे कि 16 तारीख तो इंसाफ मिल जाएगा और उनको जो न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। सादत अली ने बताया पिछले इंटरव्यू में हमारे, तो बताया था कि न्यायपालिका को उन पर भरोसा है, न्यायपालिका पर सादत अली को, और वो उनको इंसाफ है जो ज़रूर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप भी हिम्मत मत हारिए, सादत अली की सपोर्ट कीजिए और उनको अभी 3 दिन बचे हैं, सिर्फ 3 दिन के अंदर है जो पता चल जाएगा कि सादत अली को इंसाफ मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, वो साफ साफ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आगे भी हो सकता है डेट बढ़ा दी जाए, लेकिन क्या होता है वो आपकी राय है, जो कमेंट में दीजिए हमें बताइए। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए, और इसी तरह देश विदेश की खबरें हमारे चैनल पे देखते रहिए, बने रहिए सुरेश पन्नू चैनल पर। जय हिंद।